तो आज की अनबॉक्सिंग करते हैं मैकबुक प्रो की। ये 2021 का नया प्रोडक्ट आया है और अभी हम इसकी नई पहले यहाँ से बंद पाटते हुए गोरा मुझे सब सिखा देगा और इसमें एक इसे चार्ज करने के लिए चार्जिंग का केबल है। ये चार्जिंग का वो है, क्या बोलते हैं इसको, अडाप्टर। और इसके नीचे और कुछ नहीं है, ये खाली है। तो ये है इसके साथ तीन चीज आई है एप्पल के, कुछ इसमें एप्पल के लोगो आए हैं जिन्हें हम अपने फ्रिज में चिपकाएंगे। बस अब बारी आती है इसकी। ये थोड़ा सा भारी है। अब की बार एप्पल ने सबसे अपने हैवी प्रोडक्ट निकाले हैं। इनमें फैन भी जो पुराने लैपटॉप थे उनका ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बड़े हैं। और इसका कुछ लुक ऐसा है, पीछे भी मैकबुक प्रो लिख रहा है। और अभी इसको खोलते हैं। ये आ गया कुछ ऐसा। नहीं नहीं ली बहू का। हाँ, इसमें पहले वो बता दो, इसका एप्पल ने अपनी टच बार थी जो यहाँ टच प्रेस हुआ थी वो हटा दी, लेकिन फिंगरप्रिंट ऐसे कैसे ही दिया है। अब की बार स्पीकर ये बड़े हो गए, स्पीकर और फैन बड़े हो गए। टच बार तो मोस्टली सर थोड़ी सी बड़ी है, सेम सी है। ये आया है और ये नए आईफोन जैसी ऊपर जैसे नोच है, कैमरा ऊपर दे रखा है, यहाँ से कट रही है बिल्कुल। आईफोन 12 से लेके जो 12 से के 10 से लेके जो स्क्रीन आ रही है बिल्कुल सेम बेस पर बना गया है ये भी। और साइड से ये पहले ज़्यादा थी, यहाँ पे गैप था, अब क्या फुल स्क्रीन है। स्पीक कर दो। अब इसकी सेटिंग कौन है? इसमें इंडिया नहीं भर सकते यार, जापान ही भरना पड़ेगा। कोई सा भी टाइम था, जापान डालो यहाँ से कुछ लेने होने का। Buy करने का वो ऑप्शन नहीं है। Mac OS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like to learn how to use Continue. VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. ये तो बाद में हो जाएगी। Not now. Not now. Wi-Fi. वाईफाई तो फोन का कनेक्ट वही क्या हो रहा है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंटर नेम ऑफ द पासवर्ड। अरे जो अपने आईडी थी एप्पल आईडी वो सब सेट करके और फिंगर आईडी भी सब भर के अब ये नया वो इब तैयार है बिल्कुल ये यूज करने के नाम का। ये इसका फर्स्ट लुक है और आज से हम इसको वीडियो की एडिटिंग में यूज करेंगे। और आज हमने ये भी लिया है एप्पल में, जिसे जो एप्पल लैपटॉप यूज करता है उन्हें पता है ये सारे पोर्ट्स नहीं आते एप्पल में, क्योंकि इसकी जो मोटाई है उसको कम करने के लिए ये इसलिए ये सब हटाए रखते हैं, इसलिए ये सब अलग से गैजेट्स लेने पड़ते हैं एप्पल के लिए।
और भी पता नहीं बहुत सारे गैजेट्स अभी तो आने बाकी है इसके लिए, इसको यूज करने के लिए। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो, और किसी का कोई सवाल हो मैकबुक से लेकर, अभी तो मुझे भी बहुत कुछ इसके बारे में चला के देखना पड़ेगा, नहीं मुझे भी नहीं पता, और कमेंट बॉक्स में डाल दियो, मैं रिप्लाई कर दूंगा अब मैं। ओके, मिलते हैं और नए किसी वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।